हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रकृति की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर कॉलेज में आ रखे हैं, जिस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आराकोट मोरी, जो कि यहां कॉलेज जिला उत्तरकाशी में पड़ता है। अगर इस कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो सन 1974 को हुआ था और यहाँ कॉलेज टोंस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, आज हम ऐसे महान शिक्षक सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस कॉलेज के विकास उन्नति के लिए अपना अहम योगदान दिया है और आगे भी देते आ रहे हैं। इस प्रकार के लोग समाज में बहुत कम देखने को मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से सामाजिक हित में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, चले हम उनसे वार्तालाप करते हैं। इस वार्तालाप में डॉक्टर किशोर सिंह चौहान सर मुख्य भूमिका में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष वार्तालाप डॉक्टर किशोर सिंह चौहान सर के साथ। मनोज, आज हम जो है राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट में है। जी सर। और जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, यहाँ से हिमाचल स्टार्ट होता है और ठीक उसके पीछे चाइना शुरू होता है, तो ये भारत का भी सीमांत क्षेत्र है, उत्तराखंड का भी सीमांत क्षेत्र है। और हम ऐसे आदर्श विद्यालय में है, आराकोट में, जहाँ पर आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं श्री शर्मा जी, सर पूरा नाम राम प्रकाश शर्मा, श्री राम प्रकाश शर्मा जी, और आप सुरेश रावत जी, और आप भी सुरेश चौहान जी, और हमारे बीच में हमारी भारतीय धरोहर, हमारे साथ में श्री राकेश रावत जी, जिनको आज पूरे देश विदेश में लोग जानते हैं आपके काम से। तो आप जो है अपनी शिक्षा की सेवा के साथ साथ आप शिक्षक हैं यहाँ पर, और आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। आज हम इस विद्यालय में जो म्यूजियम तैयार किया गया आपके द्वारा, आप एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, तो आज हम आपसे बात करेंगे और आप बताएंगे कि सर आपने जो ये म्यूजियम यहाँ तैयार किया है, आपने कैसे शुरू किया, आप कैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हैं उन्होंने, ये स्वामी विवेकानंद जी बनाए हैं। तो मैं श्री राकेश रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि सर आप इसमें प्रकाश डालें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय में, और आप यहाँ आए और हमारा सम्मान आप बढ़ाया हमारे विद्यालय में, आप लोग बता रहे, इसके लिए हम आपको बधाई के पात्र हैं आप। और दूसरा है, जो ये मैं जो स्टैचू यहाँ बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से पढ़ा हूँ, और मुझे लगता है कि जब मैं इस बंगाल के लिए क्या दे सकता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट के द्वारा मैं इस विद्यालय को सजाना चाहता हूँ, और आने वाली पीढ़ी जब आएगी तो देखेगी कि भी यह हमारा ये विद्यालय है कितना सुंदर जगह में है। मूर्तियों को लगाने से और ये इसका एक और एक इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे पूरा इतिहास, यहाँ पूरे भारत का इतिहास यहाँ होगा चौहान जी। और यही मेरी एक दिली इच्छा है कि ये पूरा एक म्यूजियम की तरह ये विद्यालय है। राकेश रावत जी हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, और बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जैसे आपने भी अपना जो संकल्पना है, आपका जो उद्देश्य है, भारत के इतिहास को और उत्तराखंड की धरोहर को आप मूर्तियों के रूप में, अब आप देखिए हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारे देश के युवाओं के आदर्श युवा रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे युवाओं का कल्याण हुआ है, तो इस तरह से आप मूर्तियाँ स्थापित कर करके छात्र छात्राओं को मूर्तियों के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने पूरे भारतवर्ष में मूर्तियों की स्थापना की है और उत्तराखंड में आपने बहुत जगह मूर्तियों की स्थापना की है। तो फिलहाल हम आपके साथ ही, आपका जब भी कोई अच्छा काम शुरू होता है, तो शुभ काम शुरू होता है, तो गणेश जी की मतलब पूजा होती है, तो हमारे बच्चे आते हैं, हम लोग आते हैं, तो हम माता देखते हैं सुबह सुबह, तो क्योंकि हमारा बीमत अच्छा जाए। ये देखिए, ये इसलिए हमने इस जगह में, ये बच्चों को छात्रों को सुसंस्कारी बनाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए, यही है मूर्तियों के माध्यम से एक साइलेंट मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। जी, अभी यहाँ पर हमने एडिशनल बनाया है, यहाँ पर बुद्धा जी की मूर्ति बनी है। इसका भी कारण है कि बुद्धा की मूर्ति हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। कोई भी आएगा, आप बुद्धा को एक ज्ञान के प्रकाष्ठा है,
तो जब भी कोई आएगा बुद्धा की मूर्ति देखेंगे तो एक पॉजिटिव वे आएगा, स्वतः ही वो ज्ञान में हो जाए, ज्ञान में उनका जो अंतःकरण है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाए। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों ने इसका उद्घाटन करवाया। हमारे प्रिंसिपल साहब भी हमारे बड़े हमारे सहयोग करते रहते हैं कि भाई आप रावत जी हम आपके साथ आप मूर्तियाँ बनाओ, बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो ये इंद्रमणि बडूनी जी की मूर्ति लगाई हमने अभी जब इनका जन्मदिन था। तो ये देखिए मनोज, ये उत्तराखंड के गांधी हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, इंद्रमणि बडूनी जी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी, जिनकी बदौलत आज ही उत्तराखंड एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया है। तो अब आप देखिए इंद्रमणि बडूनी जी की मूर्तियाँ कहीं पर जो है चौराहे में लगाई होगी या कहीं पर कोई उनकी साफ सफाई नहीं होगी, माला नहीं डली होगी। आप यहाँ देखिए हर विद्यालय में ये होनी चाहिए कि जो हमारे उत्तराखंड के जन्मदाता है जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है, ये देखिए आप ऐसे महापुरुष आप यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है और बच्चों को पता चल रहा है कि जिनको उत्तराखंड के सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड गांधी के नाम से जाना जाता है, ऐसे महान पुरुष स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। जी इसकी सर एक कहानी है डॉक्टर साहब, ये था कि मैं जब 8 में पढ़ता था तो यहाँ पर एक मैंने चित्र बनाया था, पेंटिंग बनाई थी। तो जब मैं 25 साल बाद यहाँ पर जॉब करने आया तो बच्चों ने क्या किया कि उसका प्रणाम करते करते जो चित्र बनाया था उसके जो है उबला हुआ है, जो पैर उबले हुए, लेकिन वो पेंटिंग तभी क्या है मीटिंग। तो बाद में मैंने देखा कि यार क्यूनी में जब मैं यहाँ आया, क्यूनी में यहाँ मूर्ति का सरस्वती माता जी का, तो यहाँ पर इतनी बड़ी पहले पेंटिंग हुई उसके ऊपर मैंने मूर्ति को बनाया। अब मूर्ति इसलिए बनाया गया, अब ये फूटेंगे पेंटिंग में क्या होती है खराब हो जाती है, लेकिन ये अब परमानेंट हो रहा है। इसलिए कुंदेन्दु तुषार हार दौला या शुभ्र वस्त्रा बिना, ये देखिए आप जो है माता सरस्वती जी की जो है आपने आज से कितने साल पहले, और जब मैं 8 में पढ़ता था लगभग मुझे लग रहा 40 साल पहले, नहीं ये तो अभी बनाई नहीं, नहीं तो आपने न्यू डाली थी, वो पहली मूर्ति बनाई थी 35 वर्ष पहले कक्षा 8 के विद्यार्थी ने जो मूर्ति बनाई थी, और माँ सरस्वती की उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि उनको इतना बड़ा कलाकार बना दिया। आप देखिए उन्होंने साक्षात माँ सरस्वती को यहाँ पे उकेर के रख दिया है। आप जो है माँ सरस्वती की जो आप भरत पुत्र हैं उनकी विशेष कृपा है। और देखो ये प्लस पॉइंट ये हमारे बच्चे आते हैं माता का आशीर्वाद सुबह सुबह लेते हैं और जाते हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, माँ सरस्वती और गायत्री माँ के जो मंत्र जपे हैं इनकी प्रेरणा से उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो ये आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे महापुरुष हुए, एक ऐसे श्रेष्ठ कवि हुए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको देश का हर वर्ग, हर जाति, हर पार्टी के लोग आपको हर वर्ग ऐसे महान जाति युवा के और छात्रों के बीच में जब ऐसे व्यक्ति बनाएंगे तो निश्चित रूप से देश की जो सद्भावना है, देश का जो हम जिसको कहते हैं सेकुलरिज्म है हमारे देश का वो बरकरार रहेगा और लोकतंत्र जिंदा रहेगा ऐसे महान मूर्ति। और देखिए गजब, और लोकतंत्र जिंदा रहेगा ऐसे महान मूर्ति। और देखिए गजब ये म्यूजियम में जो है आपके अब्दुल कलाम जी है, सॉरी कलाम जी, तो ये पूरे हमारे बच्चों में बहुत प्रेरणादायक ये है। और दूसरी बात है मिसाइल में इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया, बच्चों के लिए बहुत अब देखिए मनोज जी जैसे जी हाँ APJ अब्दुल कलाम है ना, ये बहुत सामान्य परिवार से निकले। जब आप इनकी जीवनी पढ़ते हो तो पता चलता है कि इन्होंने अखबार भी बेचे हैं, इनके पिताजी एक मिस्त्री थे, वो नाव बनाने का काम करते थे, तो वो ये अखबार डालने का काम करते थे। और उसके बाद ये किस तरह से जो है ये पढ़ के और इतना इन्होंने संघर्ष किया और इतने महान बड़े मुकाम पर पहुंचे। देखिए राष्ट्रपति देश के और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक महान वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये एक महान फिलोसफर भी थे। इन्होंने सपना देखा था कि 2020 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, 2020 का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन देश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप मिसाल के नाम से जाने जाते हैं और आपने जो है ऐसे आपने देखा जो इनका बहुत सारी कोट है जिनको बच्चे कहते हैं कि सपने आप क्या करते हैं वो सपने नहीं होते जो आप सो के देखते, सपने वो है जो आप खुली आप देखते हैं।
तो ये युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी प्रेरणा। नहीं, दूसरा डॉक्टर साहब ने कहा, जब भी बच्चे हमारी चुनौती को देखते हैं जी, तो कभी हम क्लास में आते हैं कि बेटा आप क्या करते हैं सर, वो बोलते हैं सर जैसे हमारे कलाम जी रहे, मिसाइल मैन रहे देश के लिए, वैसे हम भी करना चाहते हैं जी, उनकी जीवनी पर। तो ये प्रेरणा है, ये जी सर। आप देखिए पूरा म्यूजियम जो है यार, आप ज्वाला ले रहे हमारे देश के जी, और भारत एक खोज आपने पुस्तक लिखी है जिसमें पूरे भारत का दर्शन आपको देखने को मिलता है, और युवाओं को इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ें, चाचा नेहरू के बारे में पढ़ें, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और भारत एक खोज के बारे में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको वास्तव में भारत की जो संस्कृति है, परंपरागत विरासत है, अद्भुत भारत के दर्शन उसके जी मजा आएगा। अब श्रीदेव सुमन जी है, इनके फिगर तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले मैंने यही मूर्ति बनाई यहाँ पर, और आइए आपका ये जब श्रीदेव सुमन जी का जन्मदिन होता है तब ये मूर्ति हम इसका उद्घाटन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं जी सर। और 25 जुलाई मनोज श्रीदेव सुमन जी को कोटि कोटि नमन। और आप ऐसे महान शख्सियत रहे हैं उत्तराखंड की जिन्होंने राजशाही के खिलाफ प्रजातंत्र, इन्होंने जो है प्रजामंडल के माध्यम से राजशाही के विरुद्ध जो है आपने जो है, और आप कितने 84 दिन जेल में रहे और भूखे प्यासे उन्होंने दम तोड़ा और अंत में इनको जेल में फेंक दिया गया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी का कहना था कि हमारा जो जन्म हुआ है वो सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म सेवा करने के लिए हुआ है, जो मणियों के भाव नहीं मिलती है हमारा जीवन सुख भोगने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये फिलोसफी इन्होंने जो है अपने जीवन में उतार के दिखाई, और मेरे ख्याल से ये देश की जो क्रांति हुई है, देश आज़ाद हुआ है, उसके अग्रदूत रहे श्रीदेव सुमन जी। ऐसे महान शख्सियत छात्र छात्राएं आपसे जब रूबरू होते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी जज्बा है, और ऐसे महापुरुष हमारे श्री राकेश रावत जी हमारे इस उत्तराखंड देव भूमि में आपने जन्म लिया है, और सबसे बड़ी बात मंगान क्षेत्र में, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है जी, गर्व का विषय है कि आप इन सब महान मूर्तियों को युवा पीढ़ी के समक्ष रख रहे हैं। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है जी सर, वो ये भी हमने इस कब लगाई थी 2017 को जी जी। और चौहान जी आपको बताता हूँ, मैं जो ये मूर्तियाँ मैं बना रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट पास इतना पैसा देता है, मैं आपको बताइए मूर्तियों में पैसा भी देता है, तो मैं अपने निजी पैसे से ये सारा अपने दान करता हूँ अपने विद्यालय में। मुझे बड़ा एक लगाव है इस विद्यालय से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का हूँ और मुझे इस माटी से बड़ा प्यार है, इस स्कूल की माटी से, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा हूँ, मेरा बचपना यहीं पता लेता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरा जब तक मैं काम कर सकता हूँ यहाँ, जब तक मेरे में काम करने की क्षमता है, तब तक मेरे विद्यालय को सजाते रहते, मेरी एक अंदर से एक पीड़ा है। अब ये देखें ये कितनी महंगी महंगी मूर्तियाँ हैं, और ये जो मूर्ति यहाँ पर बनाई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो मनाया जाता है शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, आपके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा था क्योंकि आप एक शिक्षक थे, तो इनका कहना था कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय शिक्षक दिवस, और शिक्षक को जो सम्मान आपने दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के माध्यम से दिया गया है। और अब आप देखिए एक शिक्षक श्री राकेश रावत जी एक शिक्षक हैं, और आप देख सकते हैं आप यहाँ पे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना निजी पैसे से आप इन मूर्तियों को बना रहे हैं। तो अब आप बताइए ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, मतलब जिन्होंने अपना सब कुछ समय पैसा लगा करके इन सब मूर्तियों को बना रहे हैं, तो ये और वो भी ऐसे स्थान जो तो सीमांत क्षेत्र है, मतलब जहां पर लोग आना नहीं चाहते, रास्ते नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसे ऐसे विद्यालय में आप देखिए ये सब सुविधा है। और आज एक सबसे बड़ी बात ये हुई है सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे भी मेरी आपसे चर्चा होती कि उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ से भारत का नाम भारत है, कण्व आश्रम कोटद्वार, जहाँ पर भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ ऐसा स्थान, तो ये वहाँ के युवाओं का ये संकल्प है, बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं,
कालिदास जी ने तो अभी ज्ञान शकुंतलम की रचना बहुत पहले कर दी है और उसका पूरा वर्णन उसमें है, लेकिन वो क्षेत्र अछूता रहा है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि वहाँ पर इस भारत की धरोहर, जो भारत की धरोहर है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पर आप मूर्तियों की स्थापना करेंगे और ये अब जो है कार्य शुरू होगा और मुझे लगता है उसमें सरकार भी आपको मदद करेगी और पूरे देश से और पूरे विदेश से जहाँ जहाँ पर भी भारतीय लोग रहते होंगे उन सबका सहयोग उसके लिए दिया जाएगा और आपके द्वारा वो कार्य पूर्ण किया जाएगा और भारत को पूरे भारत का जो गौरव है वो तो इसका जिंदा है ही है, लेकिन हमें अपनी विरासत से अवगत कराना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को, कहीं ऐसा ना हो ये विरासत हो जाए। तो ये काम ये मेरा सौभाग्य होगा, ये आपके माध्यम से होगा। और आज मनोज हमारे जो गांधी जी हैं न केवल भारत में संपूर्ण विश्व में अगर कहीं नज़र जाके दिखती है तो एकमात्र वो गांधी फिलॉसफी जो मानवता को रास्ता दिखा कर, और आज पूरे विश्व में आपकी बदौलत की भारत की पहचान, और कौन सा रास्ता आपने अपनाया, सत्य और अहिंसा, और ये जो सत्य और अहिंसा है ये भारत की परंपरा रही है। अब आप भी दूसरी मूर्ति बनाने जा रहे हैं बुद्ध की मूर्ति, वो भी इसी चीज़ का मूल है, मूल है। तो ये भारतीय संस्कृति और सनातन और भारतीय परंपराओं को बचाने का एक महान मिशन आपने शुरू किया है और ये जिंदा रहेगा कई हजारों सालों तक ये चीज़ें जिंदा। मैं मेरी बड़ी इच्छा है कि जैसे हमारे जितने भी कबीर हैं जी सर, सूरदास है, तुलसीदास है जी, उनकी मूर्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी जरूर सर अगली बार से। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा आज कि हमारे चौहान जी हमारे इस विद्यालय में आए, आपने हमें मोटिवेट किया। भाई साहब ये मेरा भी विद्यालय है और ये मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ से थोड़ा बहुत आगे अक्षर ज्ञान मिला और थोड़ा बहुत समझ मिली और आप जैसे लोग यहाँ से निकले हैं ये इस धरती की महानता है और इस धरती का कर्म है हम लोगों के ऊपर कि थोड़ा बहुत कुछ हम लोग कर पा रहे हैं। और ये आप देखिए मनोज जी सर, अब ये तो हो गया एक पक्ष और निश्चित रूप से अब जो भारत की धरोहर है आप कवियों के ऊपर तो आप काम करेंगे, लेकिन अब ये अगला मिशन हमारा शुरू होगा। पक्का पक्का चौहान जी, पक्का मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे उस काम के लिए। जिस प्रकार चौहान जी प्रोफेसर आपकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव सोच है, मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ बहुत जुड़ना चाहता हूँ और आप मूर्ति की बात बोल रहे हैं कि मैं हमेशा जब भी आप बोलोगे मैं आपके युवाओं से यही कहना चाहता हूँ जो भी जुड़े होंगे आपके साथ उस मूर्ति को बनाने के लिए, और मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जब भी आप रात और दिन मुझे बोलेंगे ना मैं वहाँ आ जाऊँगा काम करने के लिए और आपकी मूर्ति बना दूँगा। चलिए ये बहुत करम हो जाएगा इस देश के ऊपर। चलिए मनोज थैंक यू सो मच सर आप दोनों का।